अच्छा बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, किंगडम फंजाई, विच इज़ आल्सो नाउन एज किंगडम ऑफ रिसाइकलर। इन्हें किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स का नाम भी दिया जाता है। फंजाई जो है बेटा, इन्हें रिसाइकलर क्यों कहा जाता है? फंजाई को रिसाइकलर इसलिए कहा जाता है बेटा कि ये चीज़ों को बैक्टीरिया के साथ डिकम्पोज करने के अंदर मदद देती हैं। डिकम्पोज किस तरह से करती हैं, बैक्टीरिया की मदद किस तरह से करती हैं, ये बात हम लोग आगे जाके देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे स्पोर बेरिंग थैलोफाइट्स विच आर अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। क्या है बेटा ये? अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, एंड इनके अंदर सेल वॉल मौजूद है जिसके अंदर काइटन पाया जाता है। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है बेटा, स्पोर बेरिंग थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स किसे कहते हैं? ऐसा जानदार, ठीक है। फंजाई को प्लांट्स लाइक भी कहा जाता है, क्यों? उसकी वजह क्या है बेटा? ये थैलोफाइट्स, थैलोफाइट ऐसी बॉडी को कहते हैं, द बॉडी विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू रूट, लीव्स, शूट्स एंड वास्कुलर बंडल। इट मींस दैट जाइलम एंड फ्लोइम इज एब्सेंट। इनके अंदर जाइलम और फ्लोइम मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें बेटा क्या नाम दिया जाता है? थैलस का नाम दिया जाता है। उसके बाद एक वर्ड लिखा है मैंने, अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, अब क्या फर्क है अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ में? हेटरोट्रॉफ तो हम लोग भी हैं, हम लोग अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, हम लोग अपनी खुराक के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ है। लेकिन हमसे ये डिफरेंट क्यों है? ये अब्सॉर्प्टिव है, हम लोग इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ्स हैं। हम लोग खुराक को अपने मुंह के अंदर लेकर जाते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद उसे हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। उसके जबकि अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ क्या है बेटा? ये इंजाइम रिलीज करते हैं, वो खुराक को छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देती है और उसके बाद वो इसको अपनी बॉडी के अंदर जज्ब कर लेते हैं, जिस वजह से इन्हें अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ का नाम दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बात कही थी शुरू में, रिसाइकलर का नाम दिया था। रिसाइकलर का नाम इन्हें क्यों दिया गया था बेटा? ये बैक्टीरिया के साथ मिलके डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस बेटा इनकी ये है कि अगर ये मौजूद ना हो तो बॉडी मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज ना हो सके। उसकी वजह क्या है? इनकी बेटा, इनके पास जो एंजाइम है वो बैक्टीरिया के पास नहीं है। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि प्लांट बॉडी जो है उसको डीकम्पोज करना है, प्लांट मर गया, उसको बैक्टीरिया डीकम्पोज नहीं कर पाता, क्योंकि बैक्टीरिया के पास प्लांट की सेल वॉल, सेलुलोज को, किसको बेटा? सेलुलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसे नाम दिया जाता है सेलुलेज। वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से बेटा वो उसको मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर बेटा ये फंजाई मौजूद ना हो तो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड बॉडीज के अंदर लॉक हो जाएं। बैक्टीरिया जितना कर सकेगा कर देगा, बाकी क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। तो उनको डिकम्पोज करके दोबारा हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने में फंजाई अपना किरदार अदा करती है। फंजाई बॉडी को डिकम्पोज करती है, न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहां पे प्लांट्स वगैरह मौजूद होंगे, वो न्यूट्रिएंट को दोबारा अब्जॉर्ब कर लेंगे, वो न्यूट्रिएंट दोबारा इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। इस वजह से इन्हें क्या नाम दिया जाता है बेटा? रिसाइकलर का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से इन्हें रिसाइकलर का नाम दिया जाता है। अब हम इनकी बात करते हैं, कुछ फीचर हैं, कुछ मैंने फीचर यहां पे लिखे हैं। ये प्लांट की तरह भी हैं, ये एनिमल्स की तरह भी हैं, लेकिन हमने फिर आगे लिखा हुआ है कि ये एनिमल्स से डिफरेंट भी हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इनको प्लांट की तरह क्यों कहा जाता है। प्लांट के अंदर सेल वॉल है, हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंशिएट किस बेस के ऊपर करते हैं? द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज देयर सेल वॉल। तो फंजाई के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है, प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है, ठीक हो गया। ये इनके अंदर सिमिलैरिटीज आ गई। दूसरी बात बेटा, लैक सेंट्रियोल। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, फंजाई के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं होते। प्लांट नॉन मोटाइल है, मतलब क्या है? वो अपनी जगह के ऊपर ही खड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी जगह पे ही खड़े हैं, वहीं पे खड़े होकर अपनी तमाम की तमाम जिंदगी की एक्टिविटीज कंप्लीट कर रहे हैं। प्लांट नॉन मोटाइल है, एनिमल्स मोटाइल हैं, एनिमल अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, जबकि फंजाई भी क्या है बेटा? नॉन मोटाइल है। तो ये तीन फीचर क्या है बेटा? इनके प्लांट से मिलते जुलते हैं। लेकिन फंजाई, हम इन्हें प्लांट नहीं कह सकते,
डिफरेंस क्या है बेटा? प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल है बेटा, वो बनी होती है सेलुलोज की। प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। जबकि हम ऊपर बता चुके हैं बेटा कि काइटन कहां पे मौजूद है? फंजाई की सेल वॉल के अंदर मौजूद है। प्लांट जो है, प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स क्या है बेटा? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जबकि हम फंजाई के बारे में क्या क्या कह चुके हैं? दे आर दी अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पाते बल्कि अपनी खुराक को जज्ब करते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ फीचर इनके प्लांट से मिलते हैं, लेकिन इनसे प्लांट से कुछ इख्तलाफात भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें मुकम्मल तौर पे प्लांट कंसिडर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ आते हैं हम लोग, कहते हैं कहां कहां पे मौजूद है बेटा? बहुत वास्टली मौजूद है। ये इक्वेटिक के अंदर है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर है, लाइट के अंदर है, डार्क के अंदर है, बहुत जगहों के ऊपर ये पाए जाते हैं। तकरीबन बेटा फंजाई की जो स्पीशीज हैं, फंजाई की तकरीबन 100,000 के करीब स्पीशीज मौजूद हैं। फंजाई कितनी स्पीशीज है बेटा? 100,000 के करीब फंजाई की स्पीशीज मौजूद है। अब स्पीशीज की बेटा अगर इनकी बात की जाए, ये माइक्रोस्कोपिक से लार्ज साइज भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक की अगर हम लोग बात करें बेटा, माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास आ जाता है यीस्ट। क्या आ जाते हैं बेटा? यीस्ट। ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक हो गया, हमें आम आंख से नजर नहीं आता। अगर हम लोग लार्ज साइज फंजाई की बात करें बेटा, इसके अंदर आ जाती है टोडस्टूल। क्या आ जाती है? टोडस्टूल, जिसका साइज कितना हो सकता है बेटा? 2 मीटर तक इसका साइज हो सकता है, यानी कि हमें ये आम नेकेड आई से भी नजर आ सकती है। बात समझ आ गया? तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा यहां पे कि वैरायटी मौजूद है, ये माइक्रोस्कोपिक यानी कि नेकेड आई से नजर नहीं आती, और लार्ज साइज क्या है? बड़ी बड़ी भी है, बहुत बड़ी बड़ी, मैं आपको बता दिया। टोडस्टूल का साइज मैंने कितना बताया बेटा? इसका साइज मैंने कहा है 2 मीटर तक हो सकता है। अच्छा, मोड ऑफ लाइफ, इसके अंदर बेटा कुछ पैरासिटिक है। पैरासिटिक कौन से होते हैं बेटा? जो किसी दूसरे जानदार के अंदर रहते हैं, उससे खुराक हासिल करते हैं और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक हो गया, हार्मफुल है। अगर हम लोग पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक के अंदर 2 टाइप है। एक तो है एक्टोपैरासाइट, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा? एंडोपैरासाइट। वो पैरासाइट जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं उन्हें नाम दिया जाता है बेटा एंडोपैरासाइट, और जो अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं, बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है एक्टोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल क्या है बेटा? ये डैंड्रफ है, हमारे सर के अंदर मौजूद है, ये भी एक फंजाई है जो एक्टोपैरासाइट की ही एग्जांपल है। अच्छा, इसके अंदर कुछ फंजाई जो है वो शिकार करती है। शिकार किस तरह करती है? मुख्तलिफ तरह की फंजाई है बेटा, जो आम तौर के ऊपर जो है वर्म है, वर्म के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं, इनके पास हिस्टोरिया मौजूद होता है बॉडी के अंदर, पेनिट्रेट करके वहां से अपनी खुराक को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। मजीद हम इसकी अगले लेक्चर्स में देखेंगे। कुछ क्या है बेटा? म्यूचुअलिस्टिक है। म्यूचुअलिस्टिक कहते हैं जो बाहिमी ताउन के साथ रहती हैं। फंजाई जो है वो मिलके रह सकती है बेटा, फंजाई रहेगी एलजी के साथ। फंजाई किसके साथ मिलके रहेगी? एलजी के साथ। फंजाई मिलके रह सकती है प्लांट के साथ भी, फंजाई प्लस प्लांट। अगर फंजाई एलजी के साथ मौजूद है, इस रिलेशन को कहते हैं बेटा लाइकन। द रिलेशन बिटवीन दी फंजाई एंड एलजी, इट इज कॉल्ड दी लाइकन। अगर फंजाई प्लांट के साथ मौजूद है तो इसे नाम दिया जाता है माइकोराइजा। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसे? माइकोराइजा का नाम दिया जाता है। फिर क्या है बेटा? प्रीडेटर द्वारा लिख दिया, चले इसको रेस कर देते हैं। यहां पे हमने क्या है बेटा देख लिया, पैरासिटिक है, प्रीडेटर है, म्यूचुअलिस्टिक है। ठीक हो गया, ये तमाम के तमाम क्या है बेटा? इनकी मोड ऑफ लाइफ है। अच्छा, अगली बात है एनिमल लाइक। एनिमल्स की तरह ये भी है। अब एनिमल हेटरोट्रॉफ, फंजाई भी क्या है बेटा? हेटरोट्रॉफ। ठीक है, एनिमल्स भी खुराक अपनी तैयार नहीं कर पाते, हम लोग हैं अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पाते, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी तरह से ये भी है। इनकी सेल वॉल के अंदर, फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटन मौजूद है। काइटन कहां पे पाया जाता है बेटा? एक्सोस्केलेटन के अंदर। एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है, किसके एक्सोस्केलेटन के अंदर बेटा? ये पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के।
ये कहां पे पाया जाता है बेटा? आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। तो काइटन कहां पे मौजूद है? एनिमल्स में भी मौजूद है। काइटन कहां पे मौजूद है बेटा? फंजाई के अंदर भी मौजूद है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से इन्हें फंजाई को एनिमल्स लाइक का नाम भी दिया जाता है। दूसरे बेटा, अगर हम लोग दूसरी बात करें, हमने देखा, मैंने आपको बताया प्लांट की तरह के भी हैं, प्लांट से डिफरेंट भी हैं। ठीक हो गया। अब ये एनिमल्स लाइक भी हैं लेकिन एनिमल से डिफरेंट भी हैं। एनिमल से डिफरेंट क्यों है? एनिमल्स के अंदर बेटा सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि फंजाई के अंदर क्या है? सेल वॉल मौजूद है। एनिमल्स जो है वो इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ है, खुराक को इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, जबकि फंजाई क्या है बेटा? ये अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। जैसे पहले बता चुका हूं मैं कि ये न्यूट्रिएंट को बॉडी में अपनी अब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद एनिमल्स जो बेटा नॉन मोटाइल है, हम लोग अपनी जगह चेंज कर लेते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, जबकि फंजाई बेटा अपनी जगह चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें क्या नाम दिया जाता है? नॉन मोटाइल का नाम दिया जाता है। अच्छा, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है न्यूक्लियर माइटोसिस। ये बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है जो सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? फंजाई के अंदर पाई जाती है। आमतौर के ऊपर क्या होता है बेटा? ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या मौजूद है? क्रोमोसोम मौजूद है, सेंट्रियोल बाहर पाए जाते हैं, ये सेंट्रियोल मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होती है, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। आपने क्या देखा कि जिस वक्त मैंने सर्कल बनाया हुआ था, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई हुई थी, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेंट्रियोल कहां पे मौजूद थे? न्यूक्लियस से बाहर मौजूद थे। सेंट्रियोल कहां मौजूद थे? न्यूक्लियस से बाहर मौजूद थे। अगर हम लोग जब बेटा न्यूक्लियर माइटोसिस की बात करते हैं, तो यहां पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा वो बनते हैं विद इन द न्यूक्लियस। कहां पे बनते हैं? विद इन द न्यूक्लियस। यहां पे, यहां से आ गया, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया। डिफरेंस समझ आ रहा है आप लोगों को? ये जो स्पिंडल फाइबर है, आम माइटोसिस के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उसमें जो बन रहे हैं बेटा, एनिमल्स की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर लें तो उनके अंदर कहां पे बन रहे हैं बेटा? सेंट्रियोल मौजूद है न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, उससे क्या निकलेंगे बेटा? फाइबर्स निकलेंगे जो आके क्या हो गए हैं? इसके साथ अटैच हो गए हैं। जबकि न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर ही बन रहे हैं। स्पिंडल फाइबर कहां पे बन रहे हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही बन रहे हैं। बात समझ आ गई यहां तक? तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। इस माइटोसिस को न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। दोबारा अच्छी तरह से समझ लें जरा, अगर कंफ्यूजन है थोड़ी सी। आम माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर कहां पे बनेंगे? दोबारा सर्कल बना देते हैं यहां पे। स्पिंडल फाइबर बनेंगे बेटा सेंट्रियोल से जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है, जबकि यहां पे कहां बनेंगे बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनेंगे और ये सेल को बाद में तकसीम कर देंगे। ये इनके अंदर बेटा डिफरेंस है। तो अभी तक जितनी बातें की हैं, हम इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं? हमने कहा ये प्लांट की तरह भी है, फिर हमने अगली दलील दी, हमने कहा नहीं ये प्लांट से डिफरेंट भी है, फिर हमने कहा ये एनिमल की तरह भी है, फिर हमने देखा नहीं ये एनिमल से भी डिफरेंट है। तो हमने क्या निकाला बेटा इससे रिजल्ट? हमने ये रिजल्ट निकाला कि जो फंजाई है ये ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं, बल्कि ये एक कोई तीसरी किस्म के जानदार हैं। इनकी डीएनए का स्टडीज भी यही बताती है बेटा कि ये बाकी तमाम जानदारों से डिफरेंट है। बात समझ आ गई? तो हमारा कंक्लूजन क्या है बेटा कि ये बाकी तमाम जानदारों से डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन्हें एक अलग ग्रुप, जिसे क्या नाम दिया हमने? किंगडम फंजाई का नाम दिया, उसके अंदर रख दिया गया। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? टॉपिक है बॉडी ऑफ दी फंगस। फंगस की बॉडी, फंजाई की बॉडी किस चीज की बनी हुई है बेटा? माइसीलियम की बनी हुई है। अच्छा, ये माइसीलियम क्या चीज है? यहां से ब्रांचेस निकल रही हैं बॉडी पे, ऊपर से ये निकल आई हैं, ये निकल आई हैं, ये क्या है बेटा? ये तमाम की तमाम माइसीलियम है। ये तमाम की तमाम क्या है? माइसीलियम। फंजाई की जो बॉडी है वो इन्हीं माइसीलियम से मिलकर बनी हुई है। किनसे मिलकर बनी हुई है बेटा? इन्हीं, ये जो छोटे छोटे माइसीलियम है इनसे मिलकर बनी हुई है। ठीक हो गया। अब माइसीलियम किससे मिलकर बनी हुई है बेटा? माइसीलियम मिलकर बनी हुई है हाइफी से। ये पूरी की पूरी एक माइसीलियम है। अगर हम लोग बात करें
हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर है बेटा, इसे क्या नाम दिया गया है, माइसीलियम का नाम दिया गया। बॉडी किस चीज की मिलकर बनी हुई है, इन्हीं माइसीलियम से मिलकर बनी हुई है। अब ये माइसीलियम किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, ये आप लोगों को बेटा छोटे छोटे से बारीक बारीक रेशे नजर आ रहे हैं, ये वाले रेशे, ये वाले छोटे छोटे से, ये एक स्ट्रक्चर, ये जो रेशा है एक रेशा, इसे नाम दिया जाता है हाइफी। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसे, हाइफी का नाम दिया जाता है, ये जो एक रेशा है। तो हाइफी क्या है बेटा, ये बारीक फिलामेंट है, बारीक बारीक रेशे हैं जिनसे मिलके एक माइसीलियम बनी हुई है। अब हम लोग हाइफी की बात करते हैं, हम कहते हैं हाइफी कितने तरह के बेटा, दो तरह के, सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट का मतलब है बेटा, सेप्टा कहते हैं वैसे पर्दे को, सेप्टा किसे कहते हैं, पर्दे को। तो वो हाइफी जिसके दरमियान पर्दा मौजूद है, इट मींस दैट क्रॉस वॉल मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, क्रॉस वॉल मौजूद है, उसे नाम दिया जाता है सेप्टेट हाइफी का। दूसरी जो है वो है एसेप्टेट हाइफी, इसका मतलब क्या है बेटा, विद आउट क्रॉस वॉल, इसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती। एसेप्टेट हाइफी को बेटा नाम दिया जाता है, इसके मुख्तलिफ नाम है, इसे नॉन सेप्टेट का नाम भी दिया जाता है, ठीक हो गया, इसे कोइनोसाइट या सीनोसाइट का नाम भी दिया जाता है, ठीक हो गया, ये इसी के नाम है, एसेप्टेट का, नॉन सेप्टेट, सीनोसेप्टेट। अब ये हाइफी होती कैसी है जो हम लोगों ने बताई है, सेप्टेट या नॉन सेप्टेट। ये बेटा हम एक हाइफी बना रहे हैं, हम कहते हैं ये एक हाइफी है, एक ये हाइफी बना ली बेटा हम लोगों ने, ये हाइफी है हमारे पास, ठीक हो गया। हमने पहले कौन सी बताई है, सेप्टेट हाइफी जिसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद है, क्रॉस वॉल कहां पे है, ये दी क्रॉस वॉल। अगर तो क्रॉस वॉल मौजूद है, ठीक है, ये क्रॉस वॉल है, क्या पड़े हुए हैं इसके अंदर, इसके अंदर बेटा न्यूक्लियाई पड़े हुए, ठीक है। ऐसी हाइफी जिसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद है, यानी कि बीच में पर्दा मौजूद है, बीच में दीवार मौजूद है, ऐसी हाइफी को नाम दिया जाता है बेटा सेप्टेट हाइफी, विच इन विच क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट। दूसरी क्या है, एसेप्टेट हाइफी जिसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती। ये खत्म कर दें यहां से सारी की सारी क्रॉस वॉल, ये सिंगल माइसीलियम के तौर पे एक्ट करेगा, किसके तौर पे एक्ट करेगा बेटा, ये एक सिंगल माइसीलियम के तौर पे एक्ट करेगा, ये आ गया पूरे का पूरा माइसीलियम, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई हैं। तो ऐसी हाइफी जिसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है, विदाउट क्रॉस वॉल, इट इज कॉल्ड द एसेप्टेट हाइफी, ठीक हो गया बेटा। यहीं तक आज का हमारा टॉपिक है, फंगस ऑफ द बॉडी, मजीद जो है इसके अंदर हम जाके आगे देखेंगे। शुक्रिया।